बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी नॉवल है, और उमराव जान का जो कैरेक्टर है वो हमने फिल्मों में भी देखा है, जिस तरीके से खयाम साहब का म्यूजिक था और जिस तरह से रेखा जी ने उसको परफॉर्म किया था, और मुजफ्फर साहब की फिल्म थी, सलीम सुलेमान का म्यूजिक है इस पूरे ओपेरा में। ये हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स और म्यूजिशियंस हैं और सिंगर्स हैं, और जिस बखूबी से इन्होंने ये पूरा ओपेरा को म्यूज़िक दिया है, और जिस किस्म से इसके डायरेक्टर राजीव गोस्वामी ने जो काम किया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, इंटरेस्टिंग ओपेरा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता, हमारी ऑडियंस जो थिएटर लवर्स हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आइए और इस ओपेरा को सपोर्ट करिए, इसको प्रमोट करिए, ताकि थिएटर की दुनिया में ऐसे ओपेराज, ऐसे शोज बहुत कम होते हैं। बहुत मेहनत की है कलाकारों ने, भीड़ है कलाकारों की, पूरा भरा हुआ स्टेज है, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, और एक्टर्स खुद गाने गा रहे हैं। इसमें कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग नहीं है, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक ट्रैक ही रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं वो खुद गा रहे हैं गाना, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक चीज़ है, और विशिंग सलीम सुलेमान द एंटायर टीम ऑल द सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, एंड आई एम श्योर दैट दिस शो विल डू अ ग्रेट जॉब। अश्का, सबसे पहले कि जब थिएटर की बात करते हैं इंडिया में, तो इस लेवल का प्रोडक्शन, इस साइज का प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल, इट्स सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। एंड मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त कनिका आज एक बहुत अच्छा किरदार निभा रही है, और हम उसे यू नो चीयर करने आए हैं, शो को देखने आए हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स बीइंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। व्हाट डू यू से जूही? या ये उमराव जान तो क्लासिक है, और उसे लाइव देख पाना स्टेज पर उस स्टोरी को, और इतना खूबसूरती से जिस तरह से इन्होंने बनाया है, और जो प्रोडक्शन वैल्यू है ऑब्वियसली, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जैसे आशु ने कहा, कनिका बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, सो वी आर गोइंग टू चीयर फॉर हर आल्सो एंड वॉच अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू सलीम एंड सुलेमान। थैंक यू। थैंक यू। सर जिस तरह एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही है, अरे छोड़ यार, सर 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 प्लीज बोलो, सर एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही है आपकी, गवर्नमेंट करीब करीब, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुश हूँ, 23 तारीख को जलसा होगा, हम सब सेलिब्रेट करेंगे साथ में, मोदी जी फिर अपनी सरकार बनाएंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत हुई है, और मुझे लगता है कि देश को इस वक्त नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और देश ने उन्हीं को चुना है एग्जिट पोल के अनुसार, और मुझे इस बात का यकीन है कि एग्जिट पोल से ज़्यादा सीटें जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को 23 तारीख को मिलने वाली है। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर 23rd टू सेलिब्रेट द कम बैक ऑफ आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू। पहली बात तो ये कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है सलीम सुलेमान का, जो कि मेरे बहुत नज़दीक हैं, और उनके साथ वन ऑफ माई देयर माई मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियंस, उनकी सोच बहुत अच्छी है, और उमराव जान तो एक ऐसी संगीत की पेशकश है जिससे हम बड़े हुए हैं, जिसको सुन के हमने रियाज किया है, तो आज ये लोग उसको क्या करने वाले हैं ये देखने के लिए यहाँ पर आए। एक तो जो लाइव एलिमेंट है वो दिमाग में आता है कि सब लाइव होने वाला है, तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि आज इन गानों को, या ये नए गाने हैं, ये पुराने गाने हैं, एक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो गा रहे हैं या लिपसिंग कर रहे हैं, या कपड़े कैसे हैं, सेट्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, डायलॉग्स कैसे हैं, ये सब देखना चाहूँगा आज मैं। नहीं, मैं थिएटर नहीं किया कभी, क्योंकि मैं स्टेज शोज करता हूँ तो वो भी थिएटर ही हो गया। थैंक यू, बाय। तो उमराव जान एज अ कॉन्सेप्ट, आप जब भी सोचते हो तो आपको सिर्फ रेखा जी दिखाई देती है, इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई ब्रेक कर सकता है तो आई थिंक एक म्यूजिकल प्ले ब्रेक कर सकता है, और इतने टाइम के बाद कुछ ऐसा आया है कि आप
आई मीन यू रिलेट टू इट एंड यू विल बी लाइक यू आर गोइंग बैक टू द रेट्रो टाइम ऑल्सो सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द प्ले मुझे उमराव जान जैसे ही वर्ड आता है पहले तो रेखा जी देन आई थिंक ऑफ ऐश्वर्या एंड मुझे फारूक जी याद आते हैं एक्चुअली थैंक यू सो मच थैंक यू आई एम एक्सपेक्टिंग फायर वर्कस ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्योंकि ये एक ऐसा शो है एक तो मेरे खास दोस्त सलीम सुलेमान का है ओके एंड मेरा दोस्त चिंतन जो है ही इज बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर एंड दिस इज आई थिंक ये एक आई थिंक उमराव जान इटसेल्फ नाम ही काफ़ी है फॉर आई एम होपिंग रेखा जी यहाँ पे होंगी Reliving the past, and I think something like Umrao Jaan, we've lost the flavor over the time. So, ऐसा कुछ वापस देखने को मिल रहा है, उस चीज को, उस era को फिर से relive करने का मौका मिल रहा है. Do your Rekha eyes? Yeah, yeah, I know. Chintan, come here. Yeah, yeah, come here, right here. Yeah, सब pan करो, सब pan करो जल्दी. इधर आओ, ये बंदा, okay, आमा चलिए, come here, come here. सो येस मेमोरीज ऑफ उमराव जान ऑफ कोर्स इन आँखों की मस्ती मेरी वाइफ का बहुत फेवरेट गाना है चीजें लव द सॉन्ग उसका एक्चुअली रिंग टोन ये है इन आँखों की मस्ती सो ओ हो आ जा तू भी आ जा इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा सो ये पूरा झुंड है हमारा यहाँ पर जो है ये चिंतन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर है ये सृष्टि रोड सृष्टि इधर आइए ये लिली हमारी मतलब पूरा घरों परिवार यहाँ पर आया हुआ है सो दिस मैन हैज वर्क्ड रियली हार्ड ऑन दिस शो उमराव जान अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर बैक स्टेज राइट नाउ ऑफ कोर्स यार लेकिन मेरे सामने तो या या राइट 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 चिंतन या तो यस अगेन एनी मोर क्वेश्चंस दैट ओके सृष्टि कैन टेक ओवर राइट नाउ सॉरी प्ले में एक्चुअली पहली बार एक प्ले देखने आई हूं सो आई रियली निकल जा यहां से तो निकल जा ये धब्बा है एक्टिंग के नाम पे धब्बा है लड़की सच में पहली बार प्ले देखने आई है हम हमारी जिंदगी प्ले कर कर के काटी और ये पहली बार देखने आई है वाओ तो सी ना मेरा स्टार्ट ही इतना ओके वी कैन डू द वीडियो वी कैन सेम ओके थैंक यू सो मच एंड विशिंग एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट सलीम सुल्तान विश यू ऑल द बेस्ट मैन लव यू यस ऑल द बेस्ट एंड द एंटायर टीम ऑफ ब्राउजर Okay, everybody look here. Turn okay, your body. Then. Turn your body a little bit this side. Hey. Thank you. All right. Thank you. बहुत excited हूँ. बहुत अरसे बाद एक play देखने आई हूँ. खुद theatre background से हूँ इसलिए ऐसी चीज़ें support करने में बहुत अच्छा लगता है. और लाइव प्ले है लाइव म्यूजिक है तो उसका अलग मज़ा होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट हम सब ने गाने सुने हैं हम सब ने फिल्म देखी है हम सब ने वो अदाकारी जो थी वो से सराहा है पहली बार हमने अलग अलग तरह के म्यूजिकल प्ले देखे हैं पर ये पहली बार हो रहा है कि उमराव जान स्टेज पे आ रही है और बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा सेटअप इतने बड़े एक्टर्स इतने सारे लोगों को लाइव प्रेजेंट करना लाइव म्यूज़िक के साथ प्रेजेंट करना लाइव सिंगिंग के साथ प्रेजेंट करना बहुत ही टफ जॉब है और देखना है कि कैसा है एंड आई एम लुकिंग वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम लोग म्यूज़िकल देख रहे हैं इस तरह का म्यूज़िकल देखना हमेशा स्पेशली रहेगा आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट वी आर सीइंग अ म्यूज़िकल इन मुंबई एंड समथिंग ऑफ दिस स्टैचर एंड स्केल सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू काफ़ी एक्साइटेड रेखा जी आती है जहन में हमारे ख्याल में
क्योंकि अगर उमराव जान की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है रेखा जी. और बट लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस. Nothing, I'm not here to talk about that. I'm here to watch the play. नमस्कार जी. बहुत सारे माइक्रोफोन्स हैं, बहुत सारे कैमरास हैं. हेलो टू ऑल ऑफ यू. तो ये उमराव जान एक क्लासिक है और सब जानते हैं उमराव जान की अपनी जगह है. और उमराव जान रेखा जी के साथ एक इवेंट जुड़ी हुई है. और जब मैंने उनके साथ खून भरी मांग में काम किया था तो हर बार मैं रेखा जी को देखता था, मुझे उमराव जान की याद आती थी. जी नहीं, ये रेखा के साथ मेमोरी शेयर करने की जगह नहीं है, ये शो है. मेरे दोस्तों ने शो प्रोड्यूस किया है, कई अच्छे टैलेंट्स इसमें हैं. उम्मीद है कि अच्छा शो होगा, उम्मीद है कि अच्छा म्यूजिक सुनाई देगा, अच्छे कॉस्ट्यूम सुनाई देंगे. और थिएटर से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ, हर 10 साल एक कमाल का प्ले करता हूँ. तो जब भी मैं ऐसे शो में आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक आशा लेके आता हूँ. और ये आशा लेके आता हूँ कि जब ऐसे शोज या प्लेस देखूँ, मुझमें एक नई इंस्पिरेशन आ जाती है कि मैं फिर से करूँ. थैंक यू वेरी मच. No, and I think it's also really lovely to have Indian stories and Indian content like this being produced. It's really wonderful. And to have music that we have such rich culture and heritage that it's just wonderful to see this play being put up. And I hope there's lots more of this kind of content out there. So congratulations to the team. Congratulations to Suleiman and Salim. And we're going to go and watch the play. Thank you. Good. मेरी जो पहली फिल्म आई थी फंटूश, उसका बैकग्राउंड सलीम सुलेमान ने किया था. उन दिनों में सलीम सुलेमान बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे एंड दे वर वेरी वेरी पॉपुलर. सो आई एम प्योरली टू सपोर्ट देम. आई विल गो एंड सी. आई हैव रियली बीन एंड विटनेस लाइक अ नाइस बिग म्यूजिकल. सो फॉर मी इट्स द फर्स्ट वन. आई एम ग्लैड इट्स सलीम सुलेमान. सबसे पहले आता है कि म्यूज़िक बड़ा माइंड ब्लोइंग होगा और सेट बड़ा माइंड ब्लोइंग होगा और कपड़े बहुत ज़बरदस्त होंगे. तो वो सब सुन के बस यही चीज़ें आती हैं. थैंक यू जी. थैंक यू.
बहुत एक्साइटेड हूँ. ये एक म्यूजिकल है सो दैट्स वाई इट्स इवन मोर एक्साइटिंग, क्योंकि इट्स वेरी स्पेशल जब आप स्टेज पे सिंगिंग सुनते हैं, लाइव सिंगिंग. इट्स ऑलवेज ऑलवेज वेरी बहुत गूज़बम्स देता है वो, यू नो. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. रेखा उमराव जान इज रेखा, बट आई होप दैट चेंजेस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट. मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूजिकल्स, प्लेज, थिएटर, यू नो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एंड जो कल्चर है, ये इंडिया में हमेशा से रहा है, बट फिल्मों की पॉपुलैरिटी की वजह से थोड़ा कम हो गया है लोगों का. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफकोर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं थिएटर में, बट आई फील दैट यू नो मे बी दिस शुड बी रेगुलर थिंग. यू नो वी शुड बी एबल टू वॉच थिएटर एंड प्लेज जस्ट लाइक दिस, वॉक इन एंड गो वॉच अ म्यूजिकल. सो आई होप दैट ये ट्रेंड और ये कल्चर वापस आए एंड इट स्टेज. थैंक यू. Great musical. Salim Suleiman are two big magicians that I've known for a lot of years now, and you can only expect the best out of them. So I'm sure, you know, the way we are doing our musicals and our plays and the scene of theater is pretty changing in India, and it's a very welcome change. Personally, having done theater for a lot of years, I really feel still connected with it. And I'm glad that things are changing for the better, and I hope to do it sometime myself as well. मैं यार थिएटर की वजह से ही बनाऊँ जो बनाऊँ, तो मैं थिएटर जब बैठ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बैठ के क्यों देख रहा हूँ. आई नीड टू बी ऑन स्टेज डूइंग इट. सो लाइक आई सेड कि द थिंग्स आर चेंजिंग एट अ वेरी रैपिड पेस. वी आर डूइंग सम फैंटास्टिक म्यूजिकल्स ऑन अ वेरी बिग स्केल. सो पर्सनली ऑल्सो आई वुड लव टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक दिस. नहीं यार अभी तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ कोई करना चाहेगा तो आई एम ऑलवेज गेम टू डू समथिंग लाइक दिस. या थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. Yes. What am I expecting? ये question हमेशा पूछा जाता है और expectations हमेशा high होती हैं, because first of all it's उमराव जान. तो please, I think हम सब ने उमराव जान देखी और हम सबके दिलो दिमाग में उमराव जान, मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में तो रेखा जी बैठी हुई हैं. And it's a musical, so I'm looking forward to it. And theatre आजकल काफ़ी enlarge हो गया है. The platform itself has become very big. So it's good to know that. कैसे बोलूँ? अच्छा ओके ओके. काम डाउन काम डाउन. चलो कम ऑन. I'll answer everyone. चलो. सॉरी. ऑफ कोर्स द डीवा द लेजेंड रेखा जी वही आती हैं सबसे पहले जहन में जी. एथनिक बोला गया था सो यस.
अभी मेरे हिसाब से एथनिक इज इधर साड़ी एंड आई लाइक वेयरिंग साड़ीज जैसे कि सबको पता है बट एथनिक क्या अलग अलग करते हैं टुगेदर बेटर है ना ये एक मिनट में आ रहे कॉलेज में उसको बुलाओ ना यार ये हम बहुत ही छोटी उम्र से 1981 की फिल्म रिलीज है उमराव जानन और बहुत ही इसका म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आज तक इसका संगीत बहुत ज़्यादा मशहूर है और हम जब हमारे बचपन में हम जब सुन रहे थे गाने तो यही हमारी एक इंडियन म्यूज़िक के लिए यही शुरुआत थी हमारे लिए और दोनों मैं और सुलेमान हम लोग जब शास्त्रीय संगीत सीखते थे तो ये अपने आप में एक पॉपुलर फॉर्म हो गया था इंडियन म्यूज़िक का क्योंकि जाहिर है फिल्म में ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और तब से मेरी तमन्ना थी कि कुछ हम करेंगे इसके साथ और जब म्यूज़िकल्स हमें लगा कि म्यूज़िकल्स हमारे देश में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे तो हमने ये सोचा कि शायद उमराव जान का म्यूज़िक और उसका म्यूज़िकल थिएट्रिकल प्रोडक्शन एक अच्छा वेंचर रहेगा तो हमने कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को पसंद आया देखिए म्यूज़िकल का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी नया है और बहुत कम ऐसे थिएटर के प्रोडक्शंस हुए हैं जिसमें म्यूज़िकल प्ले बनता है तो हम हमेशा ये प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा म्यूज़िकल आए जो सब सुन सके देख सके आप थिएटर के अंदर घुसो तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ एक मुग़ल पीरियड के अंदर जाके ऐसे लगे आपको कि ये मुग़ल पीरियड में हम गए और देखा कुछ तो बस आशा यही है कि अच्छे से जाए शो और सब लोग एंजॉय करें सर अगर जब म्यूजिकल प्ले की बात होती है चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है म्यूज़िक द नाम म्यूज़िकल होता है तो म्यूज़िक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और हमने कोशिश ये की है कि इस उमराव जान का जो म्यूज़िक है जो 19th century में अर्ली 19th century में बेस्ड था ये एक एक्चुअली बुक है उमराव जान का और हमने कोशिश ये की कि हम किताब जो बुक थी जो नॉवल थी उसको हम रिप्रेजेंट करें और इसका जो म्यूज़िक है वो फिल्म से हम उठाएं तो फिल्म का म्यूज़िक इतना मशहूर हुआ तो हमने पहली बार तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम म्यूज़िक वही रखेंगे जो फिल्म का है ना कि हम कोशिश करेंगे कुछ अलग क्योंकि इस फिल्म की पहचान इस कहानी की पहचान इसकी स्टोरी की पहचान इसके म्यूज़िक से ही हुई है खयाम साहब का म्यूज़िक है और शारियार के लिरिक्स हैं तो हमने इस म्यूज़िक को जो उमराव जान का म्यूज़िक है उसको रीऑर्केस्ट्रेट किया है लेकिन उतना ही ऑथेंटिक रखा है उतनी ही चीज़ें उसमें रखी है जो ओरिजिनली है उसमें कुछ बदलाव नहीं लाया है कुछ कुछ चीज़ें हमने अलग की है म्यूज़िकल के तौर पर बट मोस्टली हमने सेम ही रखा रेखा जी रेखा जी आशा जी खयाम साहब शारियार फारूक शेख जी पूरी फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं मुझे पता है ये फिल्म वापस भी बनी थी ऐश्वर्या राय बच्चन जी के साथ जेपी दत्ता जी ने बनाई थी लेकिन समाओ जो ओरिजिनल उमराव जान था वो ओरिजिनल था आप देखिए म्यूजिकल है तो म्यूजिक जैसे उमराव जान की स्टोरी तो सबको पता है तो उमराव जान की स्टोरी हम रिप्रेजेंट करेंगे थिएटर में कुछ 90 to 100 मिनट्स का प्ले है विथ वन इंटरवल और आशा हमारी यही रहती है कि हम आपको ले जाएं मुग़ल पीरियड के अंदर जब ये डांसेस होते थे और वो जब ये पूरा ईरा था तो वहाँ पे हम आपको ले जाएं और एक उस समय का दृश्य दिखाएं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू